हेलो एंड वेलकम टू बट्टा फास्ट। मैं हूं अमर नकवी, मेरे साथ उस्मान समीउद्दीन। और अभी हम आप लोग के सामने सिर्फ और सिर्फ इसलिए हैं क्योंकि एल्गोरिदम की जरूरत है, क्योंकि कोई शौक नहीं है, बल्कि एक डिप्रेशन है कि हमारी जिम्मेदारी है, या जैसे कि उस्मान ने पहले कहा था कि मजबूरी है, कि ऐसे मनहूस सीरीज जिसकी मनहूस से एक इख्तिताम था, उसके बारे में हम बात करेंगे। पाकिस्तान की फुल स्ट्राइक साइट, नहीं सिर्फ फुल स्ट्राइक साइट के जो वो सारे आपके रेट्रो ग्रेटेस्ट हिट्स जो जो 5-6 साल पहले निकल जाने चाहिए थे, उनको भी वापस लाया गया। और फिर डीजे काकोल से रीमिक्स बनवाया गया, और बामुकाबला न्यूजीलैंड की एफ टीम, मैं अगर उसे कहूं तो तब भी शायद उसकी बहुत तारीफ कर रहा हूँ, न्यूजीलैंड की एफ टीम से था, जहां से 2-1 के हद में थी पाकिस्तान, और आज कुछ ही लम्हे पहले इनको शिकस्त देके 2-2 पे ये 5 मैच सीरीज खत्म पे आई है। उस्मान, क्या कहना चाहेंगे आप? यार मैं शुरुआत करूंगा ये कह के कि क्रिकेट के जो इतने सारे फॉर्मेट है ना, कितने फॉर्मेट है, इंटरनेशनल क्रिकेट है, लीग क्रिकेट है, 3 टेस्ट मैच, ODI, अब 4, इनफैक्ट T10 एक आ गया है, मगर विदाउट एनी शेडो ऑफ अ डाउट, बेशक सबसे जो बदतरीन फॉर्मेट है ना इंटरनेशनल क्रिकेट का, वो T20 इंटरनेशनल बायलैटरल सीरीज। मुझे मुझे पता है कि ये T20 वर्ल्ड कप का साल है और इसमें आपको वार्म अप मैचेस करने होंगे और उसमें आप रेस्ट और रोटेशन करेंगे और ये सब बकवास करेंगे। दिस इज ऑल BS। T20 बायलैटरल इज द वर्स्ट, द लोएस्ट फॉर्म। इट्स लाइक द इक्विवेलेंट ऑफ, मैं सोच रहा हूँ, यू नो, सार्कैज़म इज द लोएस्ट फॉर्म ऑफ विट, विच आई डोंट थिंक इट इज, बट कहते हैं, या इमिटेशन इज द चीपेस्ट फॉर्म ऑफ फ्लैटरी। तो T20 बायलैटरल इज द चीपेस्ट फॉर्म ऑफ लाइक क्रिकेट, बेसिकली द वर्स्ट थिंग इन द वर्ल्ड। ये न्यूजीलैंड टीम, मैं ये कभी नहीं कहूंगा कि एफ टीम थी या सी टीम थी, बिकॉज इंटरनेशनल क्रिकेटर्स हैं और वो खेलते हैं अपने मुल्क के लिए। चलो ठीक है, थोड़ा नहीं, कौन? थोड़ा बहुत आपको नहीं, रिस्पेक्ट ऐसे चाहिए। थे, नहीं, सर, ऐसे थे कि जैसे जिमी, उन्होंने एक डाला कि पाकिस्तान अच्छा ऐसा ठीक नहीं, है आपको। आप अगर न्यूजीलैंड को, इस टीम को सी टीम या एफ टीम कह रहे हैं, तो आप फिर पाकिस्तान को भी कहें कि ये भी आप जनरली एक परमानेंट एफ आपके सामने लगा दें कि आपकी ये टीम है ना, ये T20 टीम आपकी जो है ना, वो बेसिकली एफ लेवल की है। देखिए, नियतन ये हमारी ए टीम, अगर अभी आईपीएल नहीं हो रहा होता लेकिन और नियतन आपके दिमाग में ये 18 है, इससे मेरे बेहतर दिमाग कौन है? में उससे बेहतर कोई टीम ना हो, मगर पाकिस्तान मैं यही कह रहा हूं ना खेलेगा कि न्यूजीलैंड न्यूजीलैंड के पास केतन कुछ खेलता है सिर्फ, जैसे एक जमाने में 60 और ODI खिलाड़ी हैं। में हमेशा इंडिया जीत जाता है, पाकिस्तान भी हमेशा PSL खेलता रहे, सब लोग खुश रहेंगे, पाकिस्तान जीता रहेगा। नहीं, एक सेकंड वाह एक सेकंड, पर अब इसी बात पे हम कर रहे हैं ना कि क्वालिटी की अलग बात। मैं ये नहीं कह रहा कि क्वालिटी में एफ है, मैं कह रहा हूं कि एक होती है आपकी इंटरनेशनल टीम, फिर हाँ अच्छा, ए ओके टीम, ओके ओके, बी नॉट देयर टीम, स्ट्रॉन्गेस्ट सी साइड, टीम, सो डी टीम, लेट्स ई स्टिक टीम। विद नॉट देयर स्ट्रॉन्गेस्ट साइड, एफ लेट्स बी से मेरी रियलिस्टिक। मुराद ये कि इनसे 55 बेहतर खिलाड़ी होंगे जो वो नहीं खिला रहे, और जिमी नीशम प्रॉब्लम इनकी सी टीम या किसी में आता है, तो उसको उन्होंने इसलिए रख दिया ताकि जब इमिग्रेशन पे थोड़ी एंट्री आसान हो जाए, वरना उनको लगेगा कि ऐसे कोई कारपेंटर वगैरह भेज दिए न्यूजीलैंड से। आई डोंट इवन बेन नो राज मोस्ट ऑफ देयर जैसी भी नेम्स। टीम थी, बेन राज जैसी भी टीम थी, उन्होंने आपकी निकाल के ए आपके हाथ टीम, में, ए आपकी टीम, ए टीम की। चलो ठीक है, ए टीम बोल दिया भाई, नहीं ए टीम नहीं थी, बिकॉज रिजवान मिसिंग था सर, रिजवान को इंजरी हो गई थी, ए टीम ए कैसे हो प्लस सकती टीम नहीं थी। है, A++ नहीं। नहीं, ये एक निहायती बकवास सीरीज पाकिस्तान की। आई डोंट थिंक कोई भी पॉजिटिव इस सीरीज से पाकिस्तान निकाल सकता है, लाइक लिटरली जीरो। आज बहुत सारे लोग स्कोर कार्ड देखेंगे, बहुत सारे लोग ने मैच भी देखा होगा और सोचेंगे यार बाबर की क्या वाहवा इनिंग्स थी, बट एक्चुअली यू नो बाबर हैड अ रियली डिसअपॉइंटिंग सीरीज एज बैटर एंड एज कैप्टन, ही हैजंट बीन ग्रेट, ही हैज बीन ओके आई गेस, नॉट ग्रेट, लेकिन आज द की स्टैट फॉर मी वाज नॉट हिज स्ट्राइक रेट, वाज नॉट एनीथिंग, नॉट हिज स्कोर, नॉट हिज स्ट्राइक रेट, नॉट हिज नंबर ऑफ बाउंड्रीज, की स्टैट फॉर मी वाज He hit a boundary in the fourth over of the power play, and then he did not hit one until the 12th over of the power play. Of 12th the over innings. of the innings. That to me is ridiculous. I know, okay, Gaddafi ki pitch is not given to like big run scoring,
नोबडी सेइंग कि आपको आईपीएल जैसी स्टेरॉइड टाइप रन मेकिंग करनी है कि 260 चेसेस डाउन 261 और व्हाटएवर, यू डोंट नीड दैट। बट चौथे ओवर से 12वें ओवर तक अगर आप एक भी बाउंड्री नहीं मार रहे हैं और आप अपनी टीम की प्रीमियर बैटर रहे हैं, देन यू पुटिंग प्रेशर ऑन हूएवर एल्स इज कमिंग, हूएवर एल्स इज कमिंग आउट देयर विद यू, चाहे वो फखर जमान हो, चाहे उस्मान खान हो, कोई भी हो, उसके ऊपर आप प्रेशर डाल रहे हैं। एंड आई जस्ट थिंक कि ये एक इशू है जनरली पाकिस्तान की बैटिंग की, मगर बाबर की गेम की भी, जो हम हर साल पीएसएल देखते हैं और कहते हैं कि यार बाबर शायद इस बार थोड़ा सा लग रहा है कि थोड़ी सी और इंटेंट आ रही है, नॉट एवरी ईयर मे बी, बट आई डोंट नो, आई जस्ट फेल्ट एक एग्जाम्पल प्राइम, एंड दिस इज नॉट टू डू विद दैट पैसेज ऑफ प्ले, 4th से 12th ओवर जो था, मगर एक प्राइम एग्जाम्पल जो मुझे लगता है ना बाबर, वेयर बाबर कैन बी बेटर देन ही इज, आई थिंक पहले ओवर की चौथी बॉल थी, पहली ओवर इनिंग्स की चौथी बॉल थी, दो वाइड हो चुकी थी, एक शायद सिंगल बना था, साइम ने बनाया था, फ्लोटी स्लोअर बॉल फ्रॉम अ राइट आर्म फास्ट बॉलर फ्रॉम ओवर द विकेट, लैंडेड राइट इन द स्लॉट स्लॉट आउटसाइड ऑफ स्टंप, गेव हिम इनफ रूम टू ड्राइव, एक्सेप्ट बाबर आजम डज नॉट गो ओवर द टॉप बिकॉज आई थिंक उसका स्टिल माइंडसेट ये है कि ऊपर से नहीं खेलना, मैं अगर नीचे से शॉट मार सकता हूं तो मैं करूंगा, ऐसी बॉल को जो इसे ही शुड हैव हिट 10 रोज बैक ओवर मिड ऑफ ओवर लॉन्ग ऑफ, ही ड्रोव हार्ड, लुक वेरी नाइस, बट इट वेंट स्ट्रेट टू मिड ऑफ एंड देयर वाज नो रन, एंड आई फील लाइक दैट, आई नो इट्स जस्ट वन बॉल बट बाबर ने टाइम एंड अगेन ये करा है, आई जस्ट फील लाइक दैट वन बॉल इनकैप्सुलेट्स हाउ ही अप्रोचेस बैटिंग, व्हिच एंड मे बी माय माइंड इज राइट नाउ, यू नो मैं एक शुगर हाई, बहुत एक्सट्रीम शुगर हाई मुझे आईपीएल से मिला हुआ है, आई बीन वॉचिंग द आईपीएल, आई नो यू डोंट वॉच इट, आई बीन वॉचिंग द आईपीएल, मेरा एक्सट्रीम कोई शुगर रश चल रहा है वहां से, बट लाइक आई सेड बिफोर आई डोंट थिंक एनीबडी एक्सपेक्ट्स पाकिस्तान टू मेक 220 to 230 इवन, लेकिन इस सीरीज में 3 बार 178 178 178 बना है, एंड दैट आई आई डोंट थिंक इन दिस डे एंड एज किसी की तरह भी पिच हो ना, 178 इज नॉट अ पार स्कोर, लाइक पाकिस्तान थिंक इट्स अ पार स्कोर, इट्स नॉट अ पार स्कोर। आई थिंक 2015 में एक इंडियन था जिसका मुझे नाम भी नहीं याद, बट उसने सही मुझे तोड़ दिया था इसी पॉइंट पे कि उस जमाने में मैं लिख भी रहा था क्रिक इन्फो के लिए और पीटीवी पे शो भी कर रहा था, तो यू नो ऑल अ लॉट ऑफ टाइम वाज स्पेंट लाइक वेस्टेड रियली ऑन लाइक कि पाकिस्तान को ये करना चाहिए वो करना चाहिए। तो उस जमाने में हम लोग सरफराज को नहीं खिलाते थे और उमर अकमल को एज अ बैट कीपर एंड बैटिंग एट सिक्स, विच इज वर्स्ट ऑफ ऑल वर्ल्ड्स। एंड आई वाज आर्ग्यूइंग कि जे सरफराज को ओपनर बनाए ये वो फलाना ढमकाना। एंड राइट द मैच बिफोर दे डू दिस विच इज वर्सेस साउथ अफ्रीका, तो मुझे एक इंडियन बंदा ने कहता है कि तुम क्यों रो रहे हो इतना, एंड में वही 225 बनने हैं। एंड आई वाज जस्ट लाइक फक ऑफ। और फिर क्या कहते हैं कि पाकिस्तान की बैटिंग हुई, सरफराज ने स्टेन को चालीस डाउन ओवर द मारे, पिच आके चालीस चौके ओवर छक्के मारे, मार हाँ दें, एंड पाकिस्तान में 220 ऑड। एंड एज यू जस्ट पॉइंटेड आउट लाइक 3 कंसेक्यूटिव मैचेस विद 170 एग्जैक्ट, लाइक ये 178 एग्जैक्ट, जिसको एक दफा मार्क चैपमैन ने सिंगल हैंडेडली चेज कर दिया, एक दफा पाकिस्तान कुडंट रिकवर फ्रॉम एन अर्ली कोलैप्स एंड फेल फॉर रन शॉर्ट, और आज के न्यूजीलैंड की टीम बल 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 जीत मतलब गया, या के दे वर टू शॉट्स वन अवे हिट फ्रॉम मिस विनिंग हुए, इट। या और उस पे ये था कि मोहम्मद यूसुफ का अभी से ही बयान आ गया है कि जी हम बड़ी मॉडर्न क्रिकेट खेल रहे हैं, बड़ी इंटेंट के साथ खेल रहे हैं, और 180 का ये ऐसा टारगेट है कि मतलब इवन पीएसएल जो अभी खत्म हुई है, हु लाइक आई थिंक मे बी लाहौर एंड कराची वर द काइंड ऑफ साइड्स के वो जो है या तो 140 वाले बना लेते हैं, अगर 180 चले गए तो दैट्स अ गुड टोटल फॉर देम। बट इवन दो साइड्स लाइक रियलाइज लाइक 180 इज, आई मीन इवन इस मैच इस सीरीज में भी ऑब्वियस है कि दैट्स 178 इज पार, राइट? लाइक इट्स राइट एट द एज ऑफ वेदर इट कैन बी मेड और नॉट एवरी टाइम वी विद इन वन और टू शॉट्स ऑफ इट। और उसके बावजूद किसी की भी सोच में फर्क नहीं आया। और वही मैं इसलिए पहली बात कर रहा हूँ कि मतलब मैं और आप 10 घंटे तक बोलते रहे बाबर ये करे, साइन वो करे, फलाना ये करे, ढिमकाना ये करे, एंड में वही 225 से 178 बन रहे ना, लाइक देयर इज
इट्स लाइक दिस इज अ वेरी वेरी पाकिस्तान स्कोर. इट्स लाइक अ पाकिस्तान फॉर एवर स्कोर T20 में, या 180 एंड देन यू जस्ट बैंक ऑन द बोलिंग. बट यू नो आई थिंक इट्स नॉट अ क्रिटिसिज्म, बिकॉज मे बी दैट्स देयर कैपेसिटी, मे बी दैट्स देयर कैपेबिलिटी, से ज्यादा नहीं कर सकते हैं. लेकिन कुछ एम्बिशन नहीं, एम्बिशन नजर आए. दैट्स व्हाट आई एम सेइंग इज आई वांट टू सी सम फॉरगेट इंटेंट. इंटेंट बिकम सच अ डर्टी वर्ड इन क्रिकेट दीस डेज. आई वांट टू सी सम एम्बिशन, राइट. उस दिन जब 178 उन्होंने पहली बार बनाया, दूसरी गेम में आई थिंक, नहीं तीसरी गेम में, पहली गेम में तो दूसरी गेम में 90 पे ऑल आउट कर दिया था. तीसरी गेम में जब 178 बनाया, बाबर जस्टिफाइड इट बाय सेइंग कि नहीं, हम लोग ने मिडिल ओवर्स में स्लो नहीं खेला, हमने वो बाद में कैचअप तो कर लिया था शादाब ने. यार बाद में कैचअप करना इमरान खान कर रहा था 1989 से 1992 तक. वो उस वक्त बाद में कैचअप विकेट रखेंगे, फिर बाद में कैचअप करेंगे. उस वक्त कर रहा था वो. अजहर महमूद एंड बाबर सिग्निफिकेंटली डिसएग्रीड ऑन व्हाट अ पार स्कोर वाज. अजहर महमूद वाज सेइंग दैट वी आर 10 15 रन शॉर्ट एट लीस्ट. बाबर वाज लाइक नहीं, बना लेते जितने रन बनाने. एंड यू नो फॉरगेट हिज ओन बैटिंग. व्हाई व्हाई वाज शादाब कमिंग इन नंबर 6 और नंबर 7 के? शादाब का ये लोग कब समझेंगे? इवन दो लाइक द फ्यू टाइम्स दैट ही इज बैटेड, ही इज एक्चुअली स्कोर्ड रन्स इन दिस सीरीज. व्हाई आर दे नॉट, व्हाई दे हेल बेंट ऑन नॉट यूजिंग शादाब? दे डिडंट बोल हिम इन द लास्ट मैच, सम कॉकमैनी काइंड ऑफ थिंग. मेरा ये है आर्ग्यूमेंट कि आप चलो खुद बाबर आप नहीं करो, आप वैसे ही खेलो जैसे खेलते हो, बिकॉज एवरीबडी फ्रॉम रमीज राजा टू वगैरह यूज़ टू बी लाइक वाह वाह कवर ड्राइव देखो, ये देखो वो देखो, सब कुछ हो जाएंगे, लाहौर स्कूल ऑफ बैटिंग और सम बीएस लाइक दैट. लेकिन एटलीस्ट इन योर बैटिंग ऑर्डर शो सम एम्बिशन, शो सम डिजायर कि अच्छा मैं शादाब को भेजता हूँ, लेट्स सी इफ ही कैन टेक देम डाउन, लेट्स गिव हिम दैट स्पेस, लेट्स गेट हिम टू टेक देम डाउन, यू नो. बट नो, ये भी नहीं होना है इस सीरीज में. सो आई जस्ट फील लाइक कि आपकी बस सोच ही वही है कि 180 बना लेंगे और फिर बॉलर्स अगर करना है तो कर लेंगे, नहीं करना है तो हम बॉलर्स को ब्लेम कर देंगे कि भाई आपका तो वाह वाह बहुत जबरदस्त अटैक है, 90 पे ऑल आउट कर दिया था, क्यों नहीं आपने डिफेंड करा 180? बिकॉज 180 इज नॉट अ डिफेंस, 180 इज योर स्टेजिंग पोस्ट एट ब्लड 12 ओवर्स. Well, I mean, not maybe 12 overs, but exactly आईपीएल that, आप right? देख लें, के आपको पता चल जाएगा, आप आईपीएल देख लें तो उसमें भी 13वां ओवर में 180 बन रहे हैं. I mean, वही है कि I think like this year's IPL as the example makes it very easy for people to be like कि नहीं ये तो पागल ही हो गए इस साल, right? But like अगर आप generally क्रिकेट देख लें तो ये एक बड़ी लोअर बैंड है. और दूसरी बात, अगर आप बटा फास्ट फॉलो कर रहे हैं तो पिछले 17 हफ्तों से मैं एक कुछ डेटा था जो प्रेजेंट करना चाह रहा था हमारे शो के ऊपर, और हर दफा उस्मान कहता है कि अगले शो में करेंगे, अगले शो में करेंगे, अगले शो में करेंगे. मुझे यकीन था कि पाकिस्तान क्रिकेट में इतनी मनहूस चीजें होती है कि यू स्टॉप केयरिंग, राइट? सो आई जेन्युइनली हैव केयर लाइक मे बी 2% ऑफ व्हाट आई केयर्ड अबाउट दिस डेटा when it first came to me, which was really good data. और मुझे याद भी नहीं है मैंने कहाँ सेव किया. Let me like find it on. Can I give you, while you're looking for that, can I give you one data? Can I give you one bit of data? No. Why? Yes, please let me give you this one bit of data. Shadab Khan strike rate in this series is 190. Okay, that's the highest strike rate out of Pakistani batters by a margin of 50, 30, 35 runs or something. 190 की strike rate है, yet he faced 33 balls in this series. That's like ये है. This is what I talk about, the lack of ambition or intent. That to me is more of an issue for Pakistan than even Babar and Riz's batting. Okay, 33 ball guy with a strike rate of 190, going at 190. आज भी आके उसने 4 ball में 13 मारा, एकदम एंड पे. लाइक गिव हिम सम मोर बॉल्स टू फेस. खुद ही उसने नहीं तो आके मैं लास्ट ये एक सेकंड मैं ये बार एक बात करना चाह रहा था उस. इनिंग्स इंपैक्टफुल होनी है, रन से नहीं फर्क पड़ता, आपकी इनिंग्स को इंपैक्टफुल हो, दैट्स व्हाट ही सेड. उधर गौतम गंभीर, हु वी ऑल लव, गौतम गंभीर इज सिटिंग एट KKR एंड ही हैज अपेरेंटली टोल्ड सुनील नारायण के बेटा तुम फिक्र नहीं करो, तुम अगर 14 मैच में 3 बार भी हमें स्टार्ट दे दो ना 80-90 रन की पावर प्ले में, तो तुम्हारा सीजन फुल है, मुझे फिक्र नहीं करनी है. उसे ये बैकिंग दे रहा है कि तुम 14 मैचेस में 11 में फेल हो जाओ, तुम 3 मैच में हमें 80-90 की स्टार्ट दे दो पावर प्ले में, योर डन,
You think Sai Mayub ever gets this kind of backing from anyone in Pakistan? तो दिस इज यही मैं डेटा पॉइंट लाना चाह रहा था, और वो अब आई हैड द फाइल्स डिलीटेड ऑन माय फोन, बट उसमें मुझे याद है अभी तक वो बात। जो अहम बात ये थी कि सो द गाइस हु डिड दिस, गाय कॉल्ड अरसला हु रीच आउट टू मी, एंड देन हिज फ्रेंड और रूममेट हमजा, दे काइंडली वेंट थ्रू अ बंच ऑफ थिंग्स दैट वी आस्क्ड देम। वन ऑफ द थिंग्स आई आस्क्ड देम वाज, उस्मान केप्ट सेइंग दिस ड्यूरिंग द पीएसएल, व्हिच वाज के बाबर जब साइम के साथ बैटिंग कर रहा है तो उसके दिखाई दे रहा है कि वो ज्यादा इंटेंट के साथ या एग्रेसिव खेल रहा है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और अभी उस्मान ने ये सवाल किया कि कहाँ साइम अयूब को ये आजादी मिल रही है, और ये बात भी हम पहले कर चुके हैं कि बहुत वाजे होता है कि स्पेशली फॉर यंगर प्लेयर्स जो माहौल कौमी टीम में है और जो माहौल उनके पीएसएल साइड में, उसमें आसमान जमीन का फर्क है। तो साइम अयूब और बाबर आजम की जब अरसला वगैरह जो ये निकाला डेटा, तो आपको लाइक आई डोंट हैव द एग्जैक्ट नंबर्स, होपफुली विल बी पुट अ लिंक टू दिस द एनालिसिस दैट दे डिड आफ्टरवर्ड्स, बट बाबर विद साइम इन मैचेस दैट दे आर लूजिंग प्लेज एट अ हायर स्ट्राइक रेट देन बाबर प्लेज इन विक्ट्रीज विदाउट साइम। मतलब कि साइम के साथ आते हुए जो उसकी पिछली सीलिंग थी वो उसकी अब फ्लोर बन चुकी है। एंड ऑब्वियसली बाबर वाज अ गुड प्लेयर, बट लाइक के वही जो बात हो रही है कि यू नो आप चौथे से 12वें ओवर में अगर बाउंड्री नहीं मार रहे हैं तो इट डजंट रियली मैटर आपका एंड पे कितने रन आ रहे हैं, बिकॉज दैट्स अ बिग इनएफिशिएंसी इन योर गेम। सही, तो उस तरीके से ये जो मसला हमें दिखाई दे रहा है पाकिस्तान की बैटिंग में बाबर की कप्तानी में, वही मसला हमें पीएसएल साइड में बाबर की कप्तानी में नहीं दिखाई दे रहा। एंड आई थिंक सो मच ऑफ दैट हैज टू डू विद द एटमोसफेयर एंड द कल्चर ऑफ द नेशनल साइड वर्सेस द पीएसएल साइड, बिल्कुल राइट? लाइक विद द पीएसएल साइड देयर इज अ लॉट मोर फोकस एंड देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंट पीपल हु आर इन चार्ज। और पाकिस्तान क्रिकेट में बहुत अरसे से, और खासतौर पर रैम्बो के बाद से, कप्तान को डिक्टेटर बनाने का जो, लेट्स नॉट ब्लेम रैम्बो और बाबर, ये हमेशा से हमारे कप्तानों के अंदर रहा है, और ये उसी तरीके से चल रही है कि टैक्टिकली भी आप उसी सोच के साथ आगे चल रहे हैं। या अगर साइम को आपने 5 मैचेस दिए भी है तो देयर इज नो वन थिंकिंग दैट दीज 5 गेम्स आर इनाफ, बिकॉज इफ यू आर थिंकिंग लाइक देखो उसको 5 मैचेस दे लिए वो नहीं चल सका, यू आर नेवर गोइंग टू फाइंड अ वायबल सुपरस्टार बैटर। I just want to interrupt and qualify here what I'm saying. मैं ये नहीं कह रहा कि पाकिस्तान ड्रॉप करेगा. By all accounts, it sounds like, you know, Babar is a fan of Siam also and that he wants him in the team. I'm not saying that he will be dropped. I'm just saying कि जो कॉन्वर्सेशन शुरू हो जाती है ना पाकिस्तान क्रिकेट में आउटसाइड, अब ऑलरेडी मुझे पता है कि लोग बात कर रहे हैं कि यार साइम देखो 5 मैच इधर मिल गए हैं, 5 मैच पहले न्यूजीलैंड मिले हैं, कुछ नहीं करा है उसने, ड्रॉप भी कर दिया कैच, और ऑस्ट्रेलिया में भी उसने कैचेस ड्रॉप करे थे, कुछ ऐसा नहीं करा है, क्यों उसे खिला रहे हैं, रिजवान और बाबर की इतनी अच्छी जोड़ी है उन्हें, फिर दैट कॉन्वर्सेशन हैज बिगन एंड वी ऑल नो बोथ ऑफ अस, बट ऑल ऑफ अस रियली हु आर लिसनिंग टू दिस एंड वॉचिंग दिस, ऑल ऑफ अस नो के पाकिस्तान में हाउ मच दैट आउटसाइड नॉइज एंड्स अप इम्पैक्टिंग सिलेक्शन एंड स्टफ, यू नो, सो दे मे कम अ टाइम समबडी विल हैव टू फाइट फॉर साइम एंड इट्स रिडिक्युलस टू थिंक That somebody will have to fight for like this guy who is, you know, clearly like the नहीं sweet मतलब breeder भाई, back. मेरे ख्याल में द फाइट इज नॉट फॉर साइम, राइट? दिस व्हाट आई थिंक व्हाट वी आर सेइंग इज के समवन हैज टू फाइट टू प्ले 21st सेंचुरी क्रिकेट। साइम को खिलाना या उसमें एतमाद ना रखना या व्हाटएवर इज अ सिम्टम ऑफ द ब्रॉडर प्रॉब्लम, राइट? क्या आपको अभी भी लग रहा है कि अगर 180 हमने बना लिए हैं तो हम कहीं भी डिफेंड कर सकते हैं, जबकि आपको पता है कि क्रिकेट में लोगों की सोच इससे बदल चुकी है। लाइक 180 इज ऑन अ चैलेंजिंग काइंड ऑफ ट्रैक आई थिंक इंटरनेशनली, व्हेन यू लुक एट अ लॉट ऑफ काइंड ऑफ सिचुएशंस, और डेफिनेटली स्लाइटली बिलो पार, राइट? लाइक यू आर एक्सपेक्टेड टू बी एबल टू गो अबव दैट, यू कंप्लीटली एक्सपेक्टेड, इवन इफ आपका बहुत अच्छा बॉलिंग अटैक है, कि आप पे इतने रन पड़ जाएंगे। लाइक क्रिकेट अब खेली ही ऐसी जाती है, और उसमें मतलब कि सिर्फ साइन नहीं है, लाइक कि आपका हारिस हो गया या आप आमिर से अभी तक एंथ्रॉल हो रहे हैं, यू नो कि द फैक्ट के और भी जो खिलाड़ी इन्होंने, मतलब बाबर आजम को जिसके साथ हम कह रहे हैं कि जिसकी जितना द वे ही टॉक्ड अबाउट व्हाट टारगेट्स इज सेटिंग एज कैप्टन,
he's clearly setting the wrong targets. और आखिर में लाइक यू नो के पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम ऑल्सो इज के आप अब आई फील जब हम पाकिस्तान क्रिकेट पे एनालिसिस दे रहे हैं ना कि अगर फैंस हैं और बस गालियां वालियां दे रहे हैं उतनी तरफ है एनालिसिस दे रहे हैं तो इट्स लाइक आप एनालिसिस दे रहे हैं कि लाइक शिट स्मेल्स बैड राइट लाइक देयर इज नो ग्रेट इनसाइट इनटू इट लाइक सो एंड व्हाट आई मीन बाय दैट इज कि जैसे अभी इज रजाक लाइक रनिंग वुमेन्स क्रिकेट और ही इज लाइक द हेड ऑफ वुमेन्स क्रिकेट सिलेक्शन ही इज द सिलेक्टर यू नो ही इज लाइक फेमसली मिसोजिनिस्ट वाज making fun of a woman cricketer just like weeks ago पैथेटिक तो आप जो है मतलब क्या एनालिसिस दे रहे हैं कि हाँ यार मोहम्मद यूसुफ यस ही इज आउटडेटेड लाइक एवरीवन नोज दैट मैन लाइक आई फील तो थोड़ा सा फोकस में लाऊंगा कि एक जो हमारी मे बी इट्स नॉट दैट इम्पोर्टेंट बट इट वाज लाइक अ गुड स्टोरी राइट तलहा एंड हिज एजेंसी हैड बीन काइंड ऑफ launching this wholesome era of Pakistan cricket superstars और एक बड़ा अच्छा जा रहा था ये वो I feel it kind of jumped the shark this week और उसी से हमारी मतलब larger setup की जो सोच है what you're complaining about जब उन्होंने शाहीन के अकाउंट से ट्वीट किया कि रिजवान द ब्रैडमैन ऑफ T20 क्रिकेट लाइक वर देर लाइक 30 other people better than Bradman, like when he was playing, like what is यार एंड द थिंग इज like लाइक यू नो द थिंग इज कि आप किस ही इज गेटिंग दिस प्रेज फॉर अ मीनिंगलेस रिकॉर्ड इन इन yes टी ट्वेंटी क्रिकेट इट्स अ मीनिंगलेस 3000 द फास्टेस्ट टू 3000 टी ट्वेंटी आई रन लाइक ओ माय गॉड दैट्स लाइक सेइंग आई डोंट नो आई कांट इवन थिंक ऑफ लाइक द राइट एनालॉजी मगर ये फजूल के रिकॉर्ड्स हैं ये कोई दीज रिकॉर्ड्स डोंट मैटर इन fastest टी to ट्वेंटी 1 million right clicks. इट्स इनसेन यू नो इट्स जस्ट आई जस्ट फील के जो जो थिंकिंग है जो सोच है इट्स जस्ट लाइक दे नॉट विलिंग टू मूव ऑन दे नॉट विलिंग टू मूव अप एंड काइंड ऑफ लुक द डिबेट अबाउट रिजवान एंड बाबर एज एन ओपनिंग पेयर आई डोंट लाइक आई डोंट गेट आई एम नॉट ऑन ईदर पोलराइज साइड ऑफ इट आई सी नुएंसेस इन इट आई सी कि उनके फायदे भी हो चुके हैं पाकिस्तान के लिए स्पेशली व्हेन पाकिस्तान इज बैटिंग सेकंड इन चेसिंग यू नो दे हैव बीन वेरी गुड इन दोस कंडीशंस बट देर आर ऑल्सो नुएंसेस दैट समवन हु विल नॉट बी नेम्ड सेंट मी दिस डेटा शीट विद यू नो काइंड ऑफ पोकिंग होल्स इन देयर रिकॉर्ड लाइक द नंबर ऑफ रन्स दैट दे मेड अगेंस्ट लाइक यू नो वीकर साइड्स अगेंस्ट एज यू वुड से एफ एफ टीम्स वो ज्यादा रिकॉर्ड्स हैं कैप्टनसी का रिकॉर्ड बाबर का इफ यू टेक अवे लाइक यू नो सम काइंड ऑफ इजियर सीरीज कैप्टनसी का रिकॉर्ड अच्छा नहीं है ऑल दैट इज फाइन आई विल से के दिस कॉम्बो काइंड ऑफ गॉट यू टू सेमीफाइनल इन अ T20 वर्ल्ड कप द लास्ट टू एंड एंड द फाइनल लेकिन आई इवन फॉरगॉटन माय पॉइंट आई थिंक माय पॉइंट वाज दैट एंड ओ या आल्सो दैट आई आल्सो एक्नॉलेज कि वेस्ट इंडीज में जहां वर्ल्ड कप होगा आई डोंट वी नॉट गोना सी लाइक यू नो वी विल सी बेटर रन स्कोरिंग देन वी हैव डन बट आई डोंट थिंक वी विल सी लाइक अभी जैसे आईपीएल में चल रही है वी वोंट सी 260 प्लेस 240 वी वोंट सी दैट There will be grounds there and teams against whom 180 will be enough for Pakistan. They may do well. What I feel more strongly about is just the lack of kind of nous and ambition to want to do better. अभी हम लोग बात कर रहे हैं ना बाबर इज स्पोकन इन द प्रेस कॉन्फ्रेंस अबाउट द आफ्टर द गेम एंड ही इज अपेरेंटली लाइक एंड आई एम पैराफ्रेजिंग फ्रॉम समबडी हू सेंट दिस टू मी बट ही हैज सेड ही इज टॉकिंग अबाउट पेसिंग अ T20 इनिंग्स इन द प्रेसर उसमें उसने बोला है कि 50 प्लस इन द सिक्स इन द फर्स्ट सिक्स ओवर्स इज फाइन एज लॉन्ग एज यू डोंट लूज टू मेनी विकेट्स देन वी शुड गेट अप टू 100 इन 10 तो आप यानी स्पीड अप कर रहे हैं कि अगले 4 ओवर में आप 50 करें एंड देन वंस यू गॉट टू 110 गेट 90 इन द नेक्स्ट 10 आई फील लाइक दिस इज अजीब सा चार्ट बन रहा है आपका कि आपने 6 से 10वें ओवर में आप ऐसी रेट पे जा रहे हैं बहुत ही ज्यादा रेट पे जा रहे हैं और फिर 10 से 20 पे आप एक्चुअली स्लोअर रेट पे जा रहे हैं थोड़ा वे यू शुड एक्चुअली जस्ट मेंटेन दैट रेट टू गो बट इवन एट द एंड ऑफ इट द टारगेट इन हिज हेड इज नॉट 90 एंड Hang on, hang on, श्योरली hang on, hang on. Are you एवरी sure you got these वन numbers right?
या दिस इज व्हाट आई हैव बीन सेंट लाइक ओके मे बी इट्स नॉट बिकॉज ही राइट इज सेइंग क्या पावर प्ले में 8 रन्स पर ओवर करें, फिर पावर प्ले हाँ खत्म होने पे 12 पे जाएं हाँ एंड देन सेज देन वी शुड डायल गेट इट टू डाउन टू हंड्रेड एंड 9. टेन या मीनिंग ही इज सेइंग दैट वी शुड एक्चुअली स्पीड अप इंस्टेड ऑफ व्हाट दे एक्चुअली डू व्हिच इज स्लो डाउन मैसिवली एज दे हैव डन थ्रू आउट द सीरीज एंड देन ही इज सेइंग कि 100 पहुंच के 10 में 100 अब फिर से स्लो डाउन कर रहे हैं 90 इन द लास्ट 10 राउंड एट द एंड ऑफ इट ऑल हिज टारगेट ऑफ पेसिंग एन इनिंग्स एंड ओके वी गिव हिम कंडीशंस आर डिफरेंट पिचेस आर डिफरेंट अटैक्स आर डिफरेंट मगर 190 टू मी इन मॉडर्न डे T20 क्रिकेट जस्ट सीम्स लाइक अ आई डोंट नो लाइक इट जस्ट सीम्स ओके देन से कि 190 आई वांट ऑन अ स्लोअर पिच 190 इज द न्यू 160 इन दुबई इज द न्यू 160 170 इन दुबई ऑफ लाइक 6 years ago जब पाकिस्तान इमाद वसीम के साथ खेल के जीता था एंड ओ वेट इमाद वसीम इज बैक बट व्हाटएवर आई एम सेइंग मे बी द 190 नाउ इज ऑन दो स्लो पिचेस एटलीस्ट अकाउंट फॉर Hey, दीज आई जस्ट how डोंट are you doing, man? 50 in your power play. 50 प्लस इन योर पावर प्ले 50 प्लस क्या है तो लाइक Like, how is 28 50 the floor? Like, this is like in an entire नो innings, ही the सेइंग कि easiest 50 प्लस time इज to score फाइन runs. 50 प्लस Then, इज मैं ये फाइन कह रहा एंड ना दैट्स कि ऑल्सो इफ यू डोंट लूज इफ यू डोंट लूज टू मेनी विकेट 50 प्लस इज फाइन it's like 50 प्लस absolutely मींस गुड crazy, टीम की right? रनिंग 70 इन द पावर प्ले Like, आप अगर 6 ओवर में 60 इज नॉट द मिनिमम दैट यू स्टार्टिंग ऑफ विद, व्हाट आर यू थिंकिंग? बिकॉज आप कैसे पहुंचोगे 100 पे 10 ओवर में अगर आपने 50 प्लस बनाए 6 ओवरों में जहां पे फील्ड रिस्ट्रिक्शन थी? मगर पाकिस्तान का यही ना पाकिस्तान का व्हाट इज द फर्स्ट स्कोर यू थिंक ऑफ व्हेन यू थिंक ऑफ अ पाकिस्तानी पावर प्ले कोई सा भी साल हो कोई सा भी जमाना हो कोई सा भी अटैक हो 48 से 54 के दरमियान आपका कहीं पावर प्ले का स्कोर होता है और वो खुश रहते हैं उसमें और पिछले 6 7 साल से तो बाबरी इन्वॉल्व है टीम में और खेल भी रहा है और कप्तान भी है पिछले 4 साल से मगर 48 से 54 से आगे आपका बढ़ता ही नहीं है पावर प्ले स्कोर यू नो यू आर हैप्पी विद दैट That and I just feel like you cannot keep repeating that everywhere. There are some grounds, there are some conditions where fine it will be okay. मगर यार आप इसे ऐसे आप उसे you cannot treat it like that. You cannot treat it like हाँ यार आप बाहर जाते हैं आप देखते हैं तो you should be ambitious, you should target more. आज जेक क्या नाम है उसका मक फ्रेजर गर्क या फ्रेजर मक गर्क जो ऑस्ट्रेलियन है फ्रेजर जेक फ्रेजर मकगर्ट मक गर्क Guy is like 22 years old. Nobody knew him before this season. I don't care what the pitches are like. I don't care what the stadium is like. कितनी छोटी बाउंड्री है क्या है? Kid hit 18 off Jasprit Bumrah's first over. Just came out and went. I'm going to take you on. I don't care if you're Bumrah. I'm going to take you on. I'm going to blast you out of here. Took 18 off his first over. It's the most Bumrah's gone for in like years. It's Bumrah, so he really does negate the pitch. This kid is 22. He's just come out this season and he's doing this. And we have Babar and Rizwan going at 7 and over. Like, I'm just saying that, you know, Zamana badal raha hai. And what worked for Pakistan, what has worked for Pakistan, they just need to rethink it. They need to rethink it. And rethink is the right way of doing it because it's not a question of reorienting. It's a question of rethinking what they're aiming for, what they're doing, and who they're trying to do it with. I feel it's irresponsible of you to even say this because कौन कर रहा है थिंक लाइक इन दिस करंट काइंड ऑफ सेटअप. लाइक अगेन आई फील के कुछ अरसे पहले की से पहले तक आपके पास जब बोर्ड में स्टेबिलिटी थी एंड देयर वाज अ लिटिल बिट मोर स्टेबिलिटी इन लाइक द पीपल अराउंड द टीम, यू हैड अ बेटर रिजल्ट, राइट? और अभी इतने अरसे से इतनी इंस्टेबिलिटी है, नो वन नोज के कौन सी लाइक कप्तान, कोच, हाँ चेयरमैन, ऑल दीज पोजिशंस थ्योरेटिकली आर अप इन द एयर, राइट? लाइक के कोच का तो मतलब अभी भी वो कर्स्टन और गिलेस्पी और ये सब सुनने को आ रहा है, राइट? यार कप्तान का कोच इज आपको बीइंग पता अनाउंस था कि टुमारो बाय द वे बीइंग अनाउंस टुमारो संडे सो वी आर टॉकिंग ऑन सैटरडे नाइट आफ्टर द गेम इट्स बीइंग अनाउंस टुमारो संडे Probably by the time this goes up, so या no, आई वुड इमेजिन like we'll have another कोच. कप्तान आपको पता था कि मतलब एक सीरीज के लिए आपने बदले थे, अगर चेयरमैन साहब बदलते हैं क्या होता है, ये होता है वो होता है.
It's like, so I feel like expecting that, you know, we'll have like a coherent approach towards like the tactics can only really happen if Babur suddenly wakes up tomorrow और कहता है कि यार मैं जो कुछ भी जानता हूँ वो गलत था और मैं एक नए सिरे से शुरू करना चाहता हूँ, क्योंकि काफी अरसे से बाबर ने बेसिकली ट्रॉफी नहीं उठाई हो कुछ, बट एज कैप्टन ही इज बिन क्वाइट सक्सेसफुल. एंड वेन यू कंपेयर इट टू लाइक द डिजास्टर दैट केम बिफोर हिम, यू नो आई एम श्योर इन हिज साइड इज जस्ट लाइक, यू नो आई वॉज लाइक मे बी अ फ्यू मैथ्यू वेट की विकेट गिर जाती, या शाहीन इंजर नहीं होता, मेरे पास दो दो वर्ल्ड T20 टाइटल्स होते, हाँ बहुत यू नो आई कुड हैव हैड अ कपल ऑफ अदर थिंग्स, लाइक वी आर मे बी टू गुड मैचेस अवे फ्रॉम मी बीइंग इमरान खान लेवल सक्सेसफुल. सो मुझे यू नो और के रिजवान के साथ ही आपने वो मैचेस वैचेस जीतते रहे ये वो, तो वो सोच जा रही, क्योंकि बाबर की कंजर्वेटिज्म इजंट जस्ट अबाउट लाइक वो साइम को कैसे खिला रहा है या क्या कर रहा है. आई हैव हर्ड दिस फ्रॉम मल्टीपल सोर्सेज के व्हेन ही इज प्लेइंग द नेदरलैंड्स और दिस न्यूजीलैंड साइड और व्हाटएवर, ही हैज टोल्ड पीपल के आपको क्या लगता है ये कमजोर टीम है, ये भी बड़ी जबरदस्त टीम है, नेदरलैंड्स की बड़ी खतरनाक टीम है ये वो. तो दैट काइंड ऑफ अप्रोच इज इनग्रेन्ड वे टू डीपली फॉर इट टू चेंज इन द एब्सेंस ऑफ एनी स्टेबल स्टेबल स्ट्रक्चर्स, राइट? कि आपके पास जब सब कुछ कशमकश में, तो अभी तो सिर्फ बाबर ही पाकिस्तान क्रिकेट में सबसे मुस्तहकम है, यू नो ऑल द अदर सुपरस्टार्स और ऑल द अदर ऑफिशियल्स एंड अप टू द चेयरमैन दमसेल्व्स, नो वन हैज एनी काइंड ऑफ स्टेबिलिटी. और इस अभी क्योंकि मैं कह रहा हूँ कि नो वन हैज एनी काइंड ऑफ स्टेबिलिटी, उसमें मैं यही कहता कि पाकिस्तान में आप जब भी यही कहते हैं तो अकेले एक ही इदारा होता है, एक इदारा होता है जिसके ऊपर कोई सवाल नहीं उठा सकते. तो उन पे भी मैं यही कहना चाहूंगा कि मैन एंड शाउट आउट टू ऑल द पीपल द कमेंट्स एंड सोशल मीडिया एंड एवरीथिंग, व्हाट अ ग्रेट जॉब सेंडिंग ओवरवर्क प्लेयर्स एट द एंड ऑफ अ ग्रूलिंग डोमेस्टिक लीग ड्यूरिंग रमजान टू बी ट्रेन्ड बाय पीपल हु हैव नो फंक्शनल ट्रेनिंग इन द स्पोर्ट दैट यू सपोज टू प्ले. यू मतलब कि पूरी दुनिया में स्पोर्ट क्या, मतलब वो स्पेसिफिक पोजिशंस के लिए मुख्तलिफ ट्रेनर्स और ट्रेनिंग कराने लगे, और हमारे यहाँ ये है कि जी वो सुबह 8 बजे वाली पीटीवी पे जो वर्जिश आती थी वही कराते रहो सबसे, आधे लोग लंगड़े जंपिंग लूले हो गए और आप आपकी ट्रेनिंग का बड़ा फायदा हुआ. और आप अब एक्नॉलेज नहीं कर पा रहे हैं अपने प्रेस रिलीज में कि इन्हें ये इंजरी हुई है। वहां वो रेडियोलॉजी रिपोर्ट आई है और बस इन्हें हमने रेस्ट कर दिया है। रेस्ट नहीं करा, उन्हें इंजरीज हुई भी, इन्हें हैमस्ट्रिंग इंजरीज हुई है। मे बी इट्स नॉट कार्पल, यू नो इट कुड बी दैट दे पिक दीज थिंग्स अप इन सीरीज। लेकिन आप बट वी नो द आंसर टू व्हाट आई एम अबाउट टू से इज कि आप इतना क्यों यानी कह रहे हैं, व्हाई डिड यू चूज टू या फॉरगेट कापुल आल्सो, लाइक यू नो दैट इट्स हैपेंड दैट व्हाटएवर द रीजंस फॉर इट वर, आई एम श्योर नोबडी विल एवर कम एंड से आउट इन पब्लिक ऑन द रिकॉर्ड। जो भी वजह कोई कुछ नहीं कभी बोलेगा उसके बारे में, ठीक है, इट वाज कंप्लीटली पॉइंटलेस, आई हैव सेड इट, इट वाज कंप्लीटली पॉइंटलेस। लेकिन वहां पे आपने ये यू इनफैक्ट अलाउड दिस कैप्टेंसी स्विच टू फेस्टर एंड ग्रो एंड देन यू नो मे बी दिस इंजरीज हैपन बिकॉज ऑफ इट व्हाटएवर हैपेंड। द बॉटम लाइन इज कि टीम जो है ना आपकी, लाइक बाबर जस्ट हैज नॉट शोन टू मी एनी काइंड ऑफ सस्टेन्ड एवोल्यूशन इन 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 हाउ इज यू नो ऑल ऑल लाइक द ऑल द ग्रेट बैटर्स, जो मॉडर्न डे ग्रेट बैटर्स हैं, उनका एक स्टेज आया है जब जिसपे दे हैव पुश्ड देमसेल्व्स टू इवॉल्व। स्टीव स्मिथ फेमसली रिनाउंड एज अ प्रॉब्लम सॉल्वर, उसकी कोई प्रॉब्लम होती है तो ही ट्राइज टू गेट बेटर एट इट, बिकम अ बेटर बैटर। विराट कोहली unreal sense of self-improvement and wanting to become a better batter, wanting to do this and all, ironically finds himself stuck in the same debate over in India, of course, at the moment. Joe Root went ballistic after bass ball for a while, was playing like, you know, first ball of the morning, he would try and reverse scoop Pat Cummins for six over third man, you know, first ball. Aur khushi se kar raha tha wo. What has Babar done as a batter to evolve? As a batter, मैं तो कैप्टनसी की बात ही नहीं कर रहा हूँ। What has he done as a batter? He's had a couple of seasons, outlier seasons it feels like right now, जहाँ पे उसकी बैटिंग इम्प्रूव हुई, जैसे ये PSL का सीजन था। Give him credit for that, he was a better batter in this PSL season.
मैं हमेशा कहता हूँ वो वाइटैलिटी ब्लास्ट में टॉम बैंटन के साथ इसका एक सीजन था फॉर समरसेट वेयर यू नो ही वाज डेफिनेटली गोइंग हार्डर एट द बॉल एंड डेफिनेटली गोइंग विद मोर इंटेंट आई यूज दैट वर्ड एज वेल आई एम सॉरी लेकिन सस्टेन्ड उसमें क्या चेंज आया क्या उसमें एवोल्यूशन आया और कब आएगा अगर नहीं आया तो कब आएगा ऑल दीज बैटर्स हिट देयर पीक्स अराउंड 29 30 एंड देन दे रियली लाइक टू गो फॉर अनदर लेवल द ग्रेट्स यू नो बाबर ने अभी तक करा है आई डोंट थिंक सो ही इज जस्ट कमिंग ऑफ अ रियली बैड ईयर इन फैक्ट वर्ल्ड कप में डिड नॉट डू मच ऑस्ट्रेलिया सीरीज में वाज वेरी पुअर T20s में उसके बाद से ही हैड अ गुड PSL बट यू नो ही हैजंट हैड ग्रेट रिजल्ट्स फॉर पाकिस्तान व्हाट हैज ही डन टू चेंज हिज गेम हैव वी सीन हिम प्ले अ न्यू शॉट आई रिमेंबर द वन न्यू शॉट आई हैव सीन हिम प्ले वाज मे बी इन द PSL उसने स्वीप मारा था लैप स्कूप एक मारा था उसने PSL में एक गेम में आई रिमेंबर दैट But that's literally all that I've seen him do in the last like 4 or 5 years. क्या उसने इस तरह की evolution अपनी game में लाई है? He has the capacity for it, I'm sure, because he's good enough. लेकिन उसमें वो is he complacent? Is there that self? Is it that drive in him that makes him that will make him into like the all-time great, which he's very capable of getting to? I don't think that, and you know, giving him back the captaincy. I think might just bring out like the worst of his complacency. I don't know. But I haven't seen him evolve over the last 3 or 4 years as a batter. आई मीन आई थिंक दो चीजें मैं यहाँ कहूंगा. एक तो कि आपके पास ऑब्वियसली एक अंदर से भी एक ड्राइव होनी चाहिए कि बेहतर होने की. मगर उसकी बहुत बड़ी वजह ये भी होती है कि जब आप एक बड़े मौके पे आके खेल रहे हैं और वहां आपको महसूस होता है कि शायद मेरे अंदर कोई कमी है, तो फिर वो आग सही में भड़क उठती है ना. एंड यू टॉक अबाउट ऑल दीज पीपल, कोहली और स्मिथ और व्हाटएवर, हु आर प्लेइंग इन हाई लेवरेज, मोमेंटस ओकेजन्स इन ऑल फॉर्मेट्स. कि बाबर कौन सा कोई अहम टेस्ट खेल रहा है, एंड इट गोज ऑन फ्रॉम देयर. सो आई थिंक एक बात तो यही है कि हमारे लोगों, हमारे खिलाड़ियों को उस किस्म के मौके ही इतने कम मिलते हैं. आप इतने अरसे बाद आपको शायद एक वर्ल्ड कप में या ICC इवेंट्स के अलावा आपको कहीं नहीं मिलेगा वो मौका. और टेस्ट सीरीज तो मतलब आई डोंट अदर देन इंग्लैंड हमें कोई दे दे या कुछ, वी डोंट हैव एनीथिंग ऑफ एनी नोट, राइट? सो एक तरह से हुई. दूसरा जो मुझे इश्यू आई फील एवर सिंस आई बीन राइटिंग ऑन क्रिकेट एंड म्यूजिक, इट हिट्स मी ओवर एंड ओवर अगेन इन दिस कंट्री. और मेरे पास जो थ्योरीज हैं वो लाइक दे आर नॉट साइंटिफिक, सो दे ऑफेंड अ लॉट ऑफ पीपल, सो आई एम नॉट गोना से द थ्योरीज. बट पाकिस्तान के अंदर खास तौर पे आपको क्रिकेट में आपको ये दिखाई देता, पिछली जनरेशन में खास तौर पे दिखाई देता था, एम्बिशन की शदीद कमी. मतलब कि आपने नेशनल टीम के लिए खेल लिया है, मे बी आपने 100 बना दी, मे बी आप वर्ल्ड कप चले गए. लाइक पीपल थिंक के दे आर लाइक गोट स्टेटस, लाइक माइकल जॉर्डन फॉर हैविंग डन दैट. कि वो जो उनकी जो उस सेंस में मतलब परफॉर्मेंसेस में कि मतलब अब ये मैंने हिट कर लिया है और अब इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि पिचेस ऐसी हैं और लोग मेरे खिलाफ हैं और ये साजिश हो रही थी और वो हो रही थी वो रही थी. बट एज यू सेइंग लाइक दिस रियली नॉट अ लॉट ऑफ एफर्ट टू काइंड ऑफ गो अबव एंड बियॉन्ड, राइट? और मतलब कि आई थिंक यू हैड लाइक इवन इन दैट प्रीवियस एरा, मिसबाह और यूनिस वर ऐसे दो खिलाड़ी थे जो आपको नजर आते थे कि जब आपके पास कोई स्पॉटलाइट नहीं भी थी, दे वर रियली वर्किंग एंड इम्प्रूविंग देमसेल्व्स. बट उन दोनों का भी दे एसेंशियली 20th सेंचुरी क्रिकेटर्स, दे मेड देयर डेब्यूज एट द टर्न ऑफ द सेंचुरी. और उसके बाद से विच आई थिंक जो एक एरा है जिसमें पाकिस्तान हैज बिन एज अ क्रिकेटिंग नेशन लाइक अ लेसर नेशन, आई थिंक हम एक विशेष साइकिल में फंस गए हैं जहां पे स्टार्स के लिए भी बड़ी कम इंसेंटिव है टू काइंड ऑफ ओके नाउ आई वांट टू बी द बेस्ट इन द वर्ल्ड. बिकॉज लाइक लेट्स से शाहीन और शादाब और बाबर और हुएवर आर द बेस्ट इन द वर्ल्ड, लाइक दे गेट लाइक मे बी वन शॉट इन 2 years और 4 years टू शो दैट इन वाइट बॉल. यू गेट इंजर्ड ड्यूरिंग इट और यू डोंट गेट पिक्ड और व्हाटएवर, दैट्स इट. उसके अलावा आपको कोई अरीना भी नहीं मिल रहा है जहां पे आप अपना नाम बना सकते हैं. एंड इट ऑब्वियसली दैट्स नॉट एन एक्सक्यूज, पर्टिकुलरली व्हेन यू आर एज टैलेंटेड एज नो बाबर. बट इट्स कॉन्टेक्स्ट
इट्स या इम्पोर्टेंट कॉन्टेक्स्ट. एग्जैक्टली. नो इट्स राइट, यू आर कंप्लीटली राइट. मे बी आई वाज बीइंग अ बिट हार्ड आई मीन वही है कि कि बाबर जस्ट वेंट टू ऑस्ट्रेलिया, राइट? लाइक आई डोंट थिंक यू नीड टू बी, मतलब उसको अंदाजा होना चाहिए था कि कितना बड़ा टूर है और उसका ना वहां अच्छा खेलना उसकी लेगेसी के लिए कितने अहम होगा. तो यू नो, लाइक आई डोंट वांट टू से लाइक ही हैड एन अपॉर्चुनिटी, ही शुड हैव डन समथिंग विद इट, ही डिडंट. बट यू नो, आई थिंक देयर इज दैट लार्जर कॉन्टेक्स्ट टू इट. Fair enough, fair enough. I mean, we should talk about maybe some positives from the series as well. I know I said ki koi positive nahi the, but I enjoyed watching Shaheen bowl. Can I say that? I enjoyed watching Shaheen bowl. Looked Only like the because, pace like, you was haven't said that since like 2022. up. Yeah, which is a thing. It's a slight positive. You know, pace thodi si badi hui thi. Bowled some good slower balls and some good Yorkers. Did I like anyone else bowling? I'm trying to think. Naseem got hit. Naseem didn't play, which is weird. Like, I think Naseem played two games out of the five. He played three games, but one was a washout, so he didn't do anything in that. But yeah. And any other, Usman Khan, poor guy, I feel for him. But I feel like Pakistan ne use, you know, use, they've got him in the setup now, or because थोड़ी सी पब्लिसिटी मिली है उसे, बिकॉज ऑफ दैट, ऑफ द होल डिसीजन एंड स्टफ. एंड ऑफकोर्स द पीसीबी मस्ट ऑल्सो हैव हर्ड पीपल लाइक अस सेइंग कि यार इसने तो अपनी करियर तबाह कर दी है, पीसीबी तो फॉरन ड्रॉप करेगा. सो आई थिंक दे'ल लाइक ट्राई टू बी कॉन्ट्रेरियन एंड एक्चुअली गिव हिम मोर चांसेस. एंड आई थिंक दे शुड डेफिनेटली गिव हिम मोर चांसेस. आई होप, बिकॉज यू नो डंपिंग हिम लाइक आफ्टर दिस वुड बी टेरेबल, वुड बी एब्सोल्युटली टेरेबल. इफ्ती चाचा, poor series, I guess. I'm really struggling to even like talk coherently about the series because it was मेरा just मेरा सीरीज के बारे में बात करने का मसला एक सिर्फ यही था ना कि आपने अगर उनके खिलाड़ी लाइक देर यू नो ऑब्वियसली एबल, जो जो टीम भेज सकते थे उन्होंने भेजी, सही है. अब आपके पास ना. मौका है कि आपके पास भी एक बड़ा पूल है, आप नए खिलाड़ियों को लाएं, या आप नए एटलीस्ट ये तो हो कि यार हमारे पास अपनी प्लान्स में इतना एतमाद है कि वी आर नॉट गोइंग टू प्ले लाइक ऑल आर 100 यू नो बेस्ट प्लेयर्स के, शायद आप भी खेले वो भी खेले, और फिर उनको सही तरह इस्तेमाल भी नहीं कर रहे हैं. तो एक अजीब सी एक लॉजिक के साथ इसमें गए थे, और उसमें मसला यही था कि अगर आप अपने फर्स्ट चॉइस प्लेयर्स को इनके खिलाफ खिला रहे हैं तो वो अगर सॉरी फॉर दैट एक्स्ट्रा आर, अगर खिला रहे हैं और वो दे मेक इट टू दे मेक अ गुड स्कोर, देन यू आर लाइक वेल यू आर प्लेइंग द यू नो द थर्ड स्ट्रिंग कीवी साइड. When they play badly like they did, then you're like, oh my God, you can't even beat the third string Kiwi side. And I don't think, this, as you said, शुरू में ही कि bilateral T20 आई में इतने कम stakes होते हैं कि it's hard to read too much into results from that, right? इसी वजह से हम वो रिजवान के 3,000 runs पे शोर कर रहे हैं कि T20Is outside of tournaments are completely useless. And so, you know, I think the only positive that you can take away from it is that, like, nothing in here is really suggestive of something larger. You know, कि I mean, अगर शायद आपने the only urgency is कि इन्हें May 1st तक अपना प्रिलिमिनरी वर्ल्ड कप स्क्वाड अनाउंस करना है. सो दे विल टेक प्लेयर्स बेस्ड ऑन दिस सीरीज एंड द PSL. यू नो, सो यहाँ ही थोड़ी मैं कह रहा पॉजिटिव. ना कि आपके पास चांस था कि जो आपके फ्रिंज वाले खिलाड़ी हैं उन सबको भर दें आप, और यू नो यू डोंट प्ले योर बाबर, योर शाहीन, योर योर शादाब, लाइक कोर, पीपल या हु आर गोइंग टू द वर्ल्ड कप. हाँ, आई मीन दे गॉट अनलकी. आजम खान को इंजरी हो गई. वेल, अनलकी अगर आप, यू नो, इफ यू कनेक्ट काकुल टू द इंजरीज, देन मे बी नॉट अनलकी. मगर आजम आउट हो गया, जमान खान को सिर्फ एक गेम दी. क्यों? शादाब को आपने एक गेम में बॉलिंग नहीं कराई, मगर अबरार को आपने 3 गेम दी सिर्फ. ऑल्दो अबरार, अगेन, आई लुक एट हिम एज अ पॉजिटिव फ्रॉम दिस सीरीज, बट अबरार कुड, यू नो, कमिट जेनोसाइड ऑन द होल वर्ल्ड एंड आई वुड स्टिल थिंक ऑफ इट एज अ पॉजिटिव बिकॉज़ ही इज जस्ट Amazing. I love Abraham on this podcast. But yeah, I just feel like I don't know, like, what are they going to gain from this? What did they gain from this? ये अगर रिजवान को इंजरी नहीं होती तो उसे हर वो पूरे 5 मैचेस उसे खिलाते, उसे कभी रेस्ट रोटेशन में नहीं डालते ये लोग. They would have played him all 5 matches.
Did Babar have to play all five matches? The only reason he did was because he's just come back as captain, and there's no way he's going to miss any matches because he's now the new captain, the new old captain, and there's no way he's going to miss any matches. मगर यू नो जो आप कर सकते थे आपने रियली नहीं करा, एंड सो यू गोना प्रोबेबली पिक मोर लेस व्हाट पीपल थॉट वुड बी योर स्क्वाड एनीवे. आई डोंट थिंक ऐसे कोई उसमें यू नो बोल्टर्स होंगे या कोई आपको आई डोंट नो यू नो मे बी देयर आई मीन सरप्राइज. अदर देन मे बी अयूब आफरीदी और यू नो द कौन था इरफान खान, कौन जाफर, अबास सॉरी अब्बास हाँ आफरीदी एंड दैट न्यू जॉन्टी रोड्स फ्रॉम कराची किंग्स वगैरह। उसके अलावा ऐसे कोई खिलाड़ी नहीं थे जो आप कहते कि यार ये इरफान इनका इस सीरीज में चल गए तो चांस मिलेगा। व्हाट से दैट अगेन आई मिस दैट लास्ट बिट. I'm saying कि out of this, wait, this was my problem with it, right? Like the squad for this series that was chosen had was more or less a World Cup squad. तो उसमें आपने बहुत कम ऐसे खिलाड़ी रखे थे जिनको जो जो ऐसे होते कि अच्छा यार अगर ये यहाँ चलेंगे तो maybe we can keep them. So just from the start of this whole endeavor, like other than maybe like four or five guys that you brought in, and then as you said कि उनको भी पूरी तरह नहीं खिलाया, मेन खिलाड़ी को भी पूरी तरह नहीं खिलाया। जस्ट या एज आई और सेड, वी अब जस्ट हियर फॉर द आपने एल्गोरिथम। आपने आपने इमाद और आमिर को वापस लाया सीरीज में विद मच लाइक यू नो लॉट्स ऑफ पब्लिसिटी इन इन दैट होल पिक. एंड येट इमाद आई एम जस्ट लुकिंग हाउ मेनी What did Ahmad do? He bowled five overs in two matches. Took one for five, 37 के एवरेज पे, 7.4 स्ट्राइक रेट, 7.4 इकोनॉमी. आमिर बोल्ड 10 ओवर्स इन थ्री इनिंग्स. लाइक आर यू काइंड ऑफ नाउ बाउंड टू पिक देम बिकॉज आपने इतने हुहा के साथ उन्हें वापस लाया है एंड यू नो दे बोथ मेड स्टेटमेंट्स अबाउट रिटर्निंग एंड कमिंग बैक. इफ यू ड्रॉप देम नाउ And you're just gonna like I don't know people are just gonna lose their crap again over this whole thing. So I don't know man. Like somehow magically we have managed to talk 50 minutes about this completely useless series. और किस तरह से निकाला है ये सिर्फ मैं और तुम जानते हो. I can't go anymore. It's I मतलब can't do उल्टी anymore आ with रही the है। series. And I can't keep going on about like the Babar Rizwan debate. We barely talking about Rizwan, but that's okay because he was like you know not playing in the series. I can't do any more of this. I just wish that Pakistan build, pick a good squad, and if nothing else, they do one of their quick exotic runs in which you know वो हारते हारते निकल आते हैं, एक कैच कोई पकड़ लेता है रोलफ वैंडर मर्वे के जैसे, और आप पहुंच जाते हैं सेमीफाइनल में, और फिर सेमीफाइनल के बाद देखा जाएगा कि यार बस वही सीन होना है कि रिजवान या बाबर को आके 110 की स्ट्राइक रेट से खेलना है और आप आउट हो जाएंगे एंड देन वी आर डूम्ड टू रिपीट द साइकिल एवरी 2 इयर्स बिकॉज़ द टी20 वर्ल्ड कप हैपेंस एवरी 2 इयर्स एंड वी आर जस्ट वेटिंग फॉर द चैंपियंस लीग टू स्टार्ट. I mean, सेमीफाइनल में आना इज डेफिनेटली नॉट डूम्ड। आई वुड बी हैप्पी विद दैट, मगर पता या नहीं, मतलब वो जो भी होगा उस पर हमें आई डोंट बहुत नो इफ आई दर्द बी हैप्पी होगा। विद इट. आई मीन हाँ लाइक यू नो इट नो, लाइक बिकॉज़ आई बी हैप्पी विद इट बिकॉज़ आई फील आवर फ्लोर इज अ लॉट लोअर। आई थिंक दिस इज सुपर ऑप्टिमिस्टिक ऑफ यू। मतलब वही होगा कि हम लोग वो हार रहे हैं, एल साल्वाडोर की टीम से हार जाएंगे, और फिर सेनेट होगा कि ये तमाम क्रिकेटर्स को जेल में डाल दो, और फिर जो है वो एक इदारा ट्रेन करेगा यंग खिलाड़ियों को जिन्होंने कभी क्रिकेट इंटरनेशनल नहीं खेली, और फिर यार उनका स्कैंडल पिछले पिछले निकलेगा। दो जो पिछले दो जो वर्ल्ड कप खेले हैं वेस्ट इंडीज में पाकिस्तान ने निहायती खतरनाक अफसोसनाक किस्म के इवेंट्स हुए हैं. एक में माइकल हसी ने मार डाला सईद अजमल को और दूसरे में बेचारे मरहूम बॉब वुल्मर का इंतकाल. तो लाइक आई डोंट नो मैन मे बी वी शुड रियली लाइक जस्ट गो इन विद जीरो एक्सपेक्टेशंस. Maybe somehow like they start playing in the US and the tournament in the West Indies gets cancelled and then they have to continue playing in the US and so the Badhua of the Caribbean is lifted. आई एम जस्ट ग्लैड के ये सीरीज खत्म हो गई, तो आइंदा जो भी हम बट्टा फास करेंगे वो कुछ और बातें कर रहे होंगे इंशाल्लाह, इतनी मनहूस चीजों पे नहीं करेंगे। बट थैंक यू उस्मान फॉर डूइंग दिस, थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस, एंड या दैट्स इट, बाय। ओके।